الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا سلام اس پر کہ جس کا نام لے کر اس کے شہد آئی سلام اس پر کہ جس کا نام لے کر اس کے شہد آئی الٹ دیتے تھے تاجے قیصریت اوج دارائی سلام اس پر کہ اس کے یہ پریشان حال دیوانے سلام اس پر کہ اس کے یہ پریشان حال دیوانے سنا سکتے ہیں اب بھی خالد و حیدر کے افسانے محترم حضرات اور معزز سامعین پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور محترم سیرت پاک کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے وہ واقعات جو دنیا کے اندر رونما ہو رہے تھے ان کا تذکرہ چل رہا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے دنیا کی کیا حالت تھی اس کا تذکرہ کرنا ہے, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد کیا تبدیلی پیدا ہوئی اس کا بھی تذکرہ کرنا ہے. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ اے پیغمبر,
हमने तुझे दुनिया में भेजा, लियुखरिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर, ताकि आप पूरी दुनिया को अंधेरों से निकाल कर रोशनी में ले आए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तशरीफ़ लाने से पहले वाक़ियात का तज़किरा सीरत निगार और मुबर्रिदीन इसलिए करते हैं कि जब तक इंसान के सामने अंधेरे की मालूमात ना हो तो वो रोशनी की अहमियत को नहीं समझ सकता, फ़क्र व फाके से न गुज़रा हो तो वो वसअत और मालदारी की नियमत को सही तरीके से नहीं पहचान सकता। इसी तरीके से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एहसानात उस वक्त सही तौर पर समझ में आएंगे जब ये पता चल जाए कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुनिया में तशरीफ़ लाने से पहले दुनिया के अंदर कैसा अंधेरा छाया हुआ था और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुनिया में तशरीफ़ लाने के बाद प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीक़ों से दुनिया के अंदर कैसी रोशनी बरपा हो गई। आज आपके सामने ज़माने जाहिलियत के कुछ वाक़ियात और हालात पेश किए जाएंगे कि उस ज़माने में सियासी हालात क्या थे, मुआशरती हालात क्या थे और समाजी अखलाकी हालात और मजहबी हालात कैसे थे। याद रखिए कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुनिया में तशरीफ़ लाने से पहले दुनिया के अंदर दो सुपर पावर थी, ईरान और रूम। ये दुनिया की दो बड़ी सल्तनतें थी और दुनिया का अक्सर इलाका इन्हीं की मातहती में था। लेकिन इन दोनों सल्तनतों में अदल और इंसाफ नाम की कोई चीज़ नहीं थी, बल्कि बादशाहों की जो ख्वाहिश होती, बादशाहों की जो राय होती, बादशाहों का जो हुक्म होता, वही दुनिया का कानून बन जाता, वही दुनिया का लॉ बन जाता है। चुनांचे ऐसा भी होता कि बादशाहों के पास ऐशो इशरत के लिए बाज़ दफ़ा असबाब कम पड़ रहे होते तो उनकी राय ये होती कि जाओ और जाकर फुला बस्ती को उजाड़ दो। बस्ती को उजाड़ दिया जाता, सरेआम डकैती और लूट मार की जाती और उन असबाब को बादशाहों के कदमों में लाकर डाल दिया जाता और उनकी मजलूमियत को सुनने वाला, उनके जख्मों पर मरहम रखने वाला कोई नहीं होता था। बादशाह के दिमाग में ये बात पैदा हो गई कि फुला समंदर के अंदर से तिजारती काफिला जा रहा है तो वो अपने कारकुनों को, अपनी फौज को हुक्म देता कि जाओ और जाकर उस काफिले को पकड़ लो। वो पकड़ते, जितना असबाब होता, जितना सामान होता,
सबको लूट लिया जाता, उनका कोई पुरसान हाल नहीं था। वो अपनी आवाज बुलंद भी नहीं कर सकते थे। इसी तरह अजीब बात यह थी कि उस जमाने में जो मालदार होते, बड़े होते, वो तो ऐशो इशरत के साथ जिंदगी गुजारने वाले होते, और जो कमजोर लोग होते बस वो जुल्म की चक्की में पिसे हुए होते। उनके काम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए उनको नफा पहुंचाने का एक जरिया होते थे। मजदूरी के साथ अजीब मामला होता कि किसी मालदार ने किसी बंदे को पकड़ लिया और पकड़ने के बाद उसको अपने काम के ऊपर लगा दिया। अब वो बेचारा एक महीना नहीं, दो महीना नहीं, दस महीना नहीं, बल्कि दो साल, चार साल, छः साल, आठ साल का अरसा गुजर जाता, और उसके बाद उससे काम लेने वाला उसके हाथ पर 10 रुपये रख देता, 20 रुपये रख देता, गर्ज उसको पूरा मुआवजा नहीं मिला करता था। और ये मजदूर अपनी आवाज उठाने के भी लायक नहीं था। इसको इजाजत नहीं थी कि वो अपना हक मांगने के लिए अपनी आवाज बुलंद करे। बाज़ दफ़ा ऐसा होता कि अगर दो चार साल के बाद मजदूरी करने वाला किसी काम के अंदर नाफरमानी कर देता तो उसकी छुट्टी कर देते और एक रुपया भी उसके हाथ पर नहीं रखा कर देते। ऐसा जालिमाना तसव्वुर था मजदूरी करने वालों का। ये समझते थे कि जैसे ये हमारी खेती है और खेती से हमको महसूल और नफ़ा हासिल होता है, इसी तरह इनसे भी हमको नफ़ा हासिल होता है। इसके अलावा इन गरीब दबे कुचले लोगों का कोई हक नहीं है। इसके मुकाबले में नबी अलैहिस्सलाम के हुक्म को आप देखिए कि जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का सूरज दुनिया में तुलू हुआ तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उतुल अजीरा अजरहू पवल अय्युफ़ इरकहू, कि मजदूर का पसीना खुश्क होने से पहले उसकी मजदूरी वापस कर दो। या तो मजदूर का यह हक था कि उससे जानवरों की तरह काम दिया जाता था और उसकी जिंदगी सिसकते सिसकते गुजर जाती थी, या मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए यह हुक्म नाफिज कर दिया कि उसके पसीने के सूखने से पहले उसकी मजदूरी, उसका हक अदा कर दो, उसके भी बच्चे हैं, वो भी सुकून और चैन के साथ जिंदगी गुजार दे। इसके अलावा बादशाह का हुक्म यह होता कि किसी बस्ती के ऊपर हमला कर दो। अब वहां के गुलामों को पकड़ लिया जाता और उनके ऊपर कब्जा कर लिया जाता, उनको गुलाम बना लिया जाता। जब वो काम करने के काबिल होते तो उनसे काम लिया जाता, और जब उनकी ताकत खत्म हो जाती या बादशाह का दिल ये करता कि अब इनको इस्तेमाल नहीं करना है, तब उनको अजीब व गरीब अजियतें और तकलीफ दी जाती। उन बेचारे गरीबों को, गुलामों को गहरे गढ़ों में फेंक दिया जाता, उनके हाथ और पांव बांधकर जंगलों में फेंक दिया जाता,
और उनको तड़पा तड़पा कर मार दिया जाता। कोई ये नहीं पूछता था कि इन गुलामों का भी कोई हक है, इन कैदियों का भी कोई हक है, कोई इसके बारे में आवाज उठाने वाला नहीं होता था। एक बात रुककर यहां पर गौर के साथ ये भी सुन ले कि मजहब इस्लाम ने गुलामी का तसव्वुर नहीं दिया, बल्कि मजहब इस्लाम ने इंसान को आजाद कराया है। गुलामी का तसव्वुर उन जालिम और जाबिर बादशाहों के दौर से शुरू हुआ। नबी अलैहिस्सलाम दुनिया के अंदर तशरीफ लाए और गुलामों की आजादी का सिलसिला शुरू हो गया। आज एतराज करते हैं बहुत से गैर मुस्लिम के मजहब इस्लाम में तो गुलामी का तसव्वुर है। हकीकत यह है कि मजहब इस्लाम ने गुलामी के तसव्वुर को खत्म किया है। मिसाल के तौर पर पहले गुलामों के साथ वो मामला कि उनको तड़पा तड़पा कर मार दिया जाता, और शरीयत इस्लाम के अंदर ये मामला कि अगर किसी के यहाँ कोई गुलाम हो या गुलाम नहीं है और उसने जानबूझकर रोज़ा तोड़ दिया, इस्लाम ने कहा कि तुम गुलाम आज़ाद करो, गुलाम खरीदो और उसको आज़ाद करो। एक आदमी ने झूठी कसम खा ली तो इस्लाम ने कहा कि अब एक गुलाम आज़ाद करो। इसी तरह बहुत सारे अहमाल ऐसे हैं कि जिनके टूटने की वजह से, जिनके पूरा न करने की वजह से गुलाम को आज़ाद करना पड़ता है। इसी तरह शरीयत इस्लामिया ने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुलामों को आज़ाद करने की तरगीब दी। किसी से कहा कि अगर तुम इतने गुलाम आज़ाद करोगे तो तुम्हें इतना सवाब मिलेगा, तुम गुलाम आज़ाद करोगे तुम जहन्नम से बच जाओगे। तो गोया के इस्लाम ने लोगों को गुलामी से निजात का तसव्वुर दिया कि आज़ाद करने से इतना फ़ायदा होगा और गुलामी के तसव्वुर से बचाया। इसी तरह कैदियों के साथ भी बुरा सलूक किया जाता था और नबी अलैहिस्सलाम दुनिया के अंदर तशरीफ लाए, आप अलैहिस्सलाम ने कैदियों के साथ भी अच्छा हुक्म इरशाद फरमाया। चुनांचे एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में कुछ लोग कैद करके लाए गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्हें फूला कमरे के अंदर बंद कर दो। उस कमरे के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर था। तो सुबह तहज्जुद के वक्त हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा, आज रात मुझे नींद नहीं आई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने पूछा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हुआ? फरमाया कि सारी रात ये कैदी परेशान रहे, उनमें से चंद कैदी भूख की वजह से बिलखते रहे और तेरे पैगंबर को उन कैदियों की वजह से नींद नहीं आई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के लिए कयामत तक कानून याद रखो कि तुम खाना खाओ वही कैदियों को खिलाओ, जो कपड़े तुम पहनो वही कैदियों को पहनाओ। तो आप देखे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और मजहब इस्लाम ने किस तरह कैदियों को इज्जत बख्शी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले कोई कैदी की इज्जत न थी, कोई कैदी के लिए ज़ाबता न था, कोई कैदियों को अच्छा न समझता था। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो फरमाया कि इन कैदियों की रस्सियाँ खोल दो। इनके हाथ रस्सियों से बंधे हुए देखे तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इससे इतनी तकलीफ़ हुई, मेरे नबी को सारी रात उनकी तकलीफ़ की वजह से नींद नहीं आई।
ये दुनिया से, ये जजीरतुल अरब से बाहर के हालात थे, सियासी हालात, और जजीरतुल अरब के अंदर के हालात भी बहुत अजीब व गरीब थे। चुनांचे तमाम कबीलों का यह हाल था कि आपस में एक दूसरे से जंग, झगड़े, नस्ली फसादात और मजहबी इख्तिलाफात की गर्म बाजारी थी। हर कबीला अपने अपने कबीले का साथ देते थे, कोई निज़ाम नहीं था, और नस्लों की नस्लें तबाह हो जाया करती थी, लेकिन कोई जंग ख़त्म करने की सूरत पैदा नहीं हुआ करती थी। नबी अलैहिस्सलाम आए, नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी तालीमात की रोशनी में दुनिया को ऐसा सियासी निज़ाम दिया कि जज़ीरतुल अरब भी मजहब इस्लाम की कड़ी का एक हिस्सा बन गया, और पूरी दुनिया भी मजहब इस्लाम की कड़ी के हिस्से बन गए। सारी दुनिया के अंदर अमन अमान कायम हो गया और सबको हुकूक मिले। तो ये सियासी हालात थे जो नबी अलैहिस्सलाम के इस दुनिया में तशरीफ लाने से पहले रूनुमा हुए थे, जाहिर हुए थे, और अखलाकी हालात भी बड़े अजीबोगरीब थे कि जुआ खेलना आम था, सट्टेबाजी आम थी, शराब पीना ये फख्र समझा जाता था, जिनाकारी और असमत दरी आम थी, जिनाकारियों की अजीबोगरीब हालात हुआ करती थी। किताबों में बड़े अजीब व गरीब वाकयात लिखे हुए हैं कि तरह तरह से वो जिनाकारी में मुबतला हो जाया करते थे। मिसाल के तौर पर अरब के अंदर एक मामला ये था जिनाकारी का कि बहुत से लोग इकट्ठे होते, किसी औरत के पास जाते और वो अपने पास किसी आने वाले से इनकार न करती, बाकायदा उनके घरों के ऊपर झंडियाँ लगी हुई होती थी कि यहाँ पर जिनाकारी आम होती है और जिनाकारी से रोकने वाला कोई नहीं है। एक सूरत ये थी कि औरत जब अपने मखसूस दिनों से पाक होती तो औरत का शोहर ये कहता कि फुला शख्स के पास पैगाम भेजकर उससे जिना कराओ, और शोहर खुद उससे अलग थलग रहता, अपनी बीवी के पास भी न जाता, यहाँ तक कि वाजे हो जाता कि जिस आदमी से जिना कराया था उससे हमल ठहर गया है। जब हमल वाजे हो जाता तो उसके बाद अगर शोहर चाहता तो उस औरत के पास जाता। ऐसा इसलिए किया जाता था कि लड़का शरीफ और बाकमाल पैदा हो। ये जिना की एक सूरत थी। इसी तरह जमाने जाहिलियत में निकाह करने की और बीवियां रखने की कोई हद भी मुतय्यन नहीं थी। लोग ऐसी दो औरतें भी बलक वक्त निकाह में रख लेते थे जो आपस में सगी बहन होती थी। बाप के तलाक देने या वफात पाने के बाद बेटा अपनी सौतेली माँ से भी निकाह कर लेता था, और तलाक का इख्तियार मर्द को हासिल था और इसकी कोई हद मुतय्यन न थी। गर्ज जिनाकारी तमाम तबकात में उरूज पर थी। कोई तबका या इंसानों की कोई किस्म इससे अलग थलग नहीं थी। अलबत्ता कुछ मर्द और कुछ औरतें ऐसी ज़रूर थी जिन्हें अपनी बड़ाई का एहसास इस बुराई के कीचड़ में लतपत होने से बाज रखता था। फिर आज़ाद औरतों का हाल लोंडियों के मुकाबिल निस्बतन अच्छा होता था, और लोंडियाँ तो बेचारी गोया के थी ही इसीलिए कि उनसे जिनाकारी की जाए और उनके साथ मुँह काला किया जाए। एक एक बांदी के साथ, एक एक लोंडी के साथ
न जाने कितने मर्द जिनाकारी में मुबतला हो जाते थे और उनसे रोकने वाला कोई नहीं हुआ करता था। अजीब व गरीब हालात थे कि अगर किसी बीवी ने, किसी औरत ने किसी बेटी को जन्म दिया तो उसको मनहूस तसव्वुर किया करते थे। बाज दफा ऐसा होता कि औरत की इज्जत को ख़त्म करने के लिए और लोगों के दरमियान ये मशहूर कराने के लिए कि फुला औरत ने बेटी को जन्म दिया है तो उसको किसी मखसूस कमरे के अंदर बंद कर दिया जाता, उसके अंदर बदबूदार चीज़ें डाल दी जाती। बाज दफ़ा ऐसा होता कि जिस औरत ने बेटी को जन्म दिया होता उस औरत का मुंह काला किया जाता और उसके गर्दन के अंदर चप्पलों का हार डाला जाता और गधे पर बिठाकर उसको सारे शहर के अंदर चक्कर लगवाया जाता और दुनिया को ये पैगाम दिया जाता कि ये औरत इतनी मनहूस है कि जिसने बेटी को जन्म दिया है। लोग अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर करना, अपनी बेटियों को दफन करना ये फख्र का काम समझते थे। अगर किसी के यहाँ बेटी पैदा हो जाती तो वो अपने लिए बाईस आर समझता था और उनका तसव्वुर ये था कि हम इतने इज्जतदार आदमी, हम नहीं चाहते कि कोई हमारा दामाद बने। चुनांचे फूल जैसी बेटी को मसल कर वहीं पर दबा दिया जाता, उसको जिंदा दरगोर कर दिया जाता। अजीब व गरीब हालत की दुनिया की कि अगर किसी के यहाँ चार बेटे पैदा हो गए और उसको ये ख्याल आया कि इनको कमा कर कौन खिलाएगा, मेरे यहाँ तो इतना इंतज़ाम नहीं है कि इनको खिलाया जाए और इनका खर्च उठाया जाए। ये ख्याल आते ही फौरन अपने दो बच्चों को मार देता, कत्ल कर देता और कोई बूझने वाला नहीं हुआ करता था। नबी अलैहिस्सलाम इस दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दबी कुचली औरतों को, उन औरतों को कि जिनको बेइज्जत किया जाता था, जिनको मनहूस समझा जाता था, जिनकी कदर करने वाला कोई नहीं होता था, माँ उसे जिनाकारी होती थी, बेटियों को जिंदा गाड़ दिया जाता था, आप अलैहिस्सलाम इस दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए, आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अलजन्नतु तहता अकदामी उम्महातिकुम कि औरत अगर तुम्हारी माँ है तो तुम उसकी खिदमत करो, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हारी माओं के कदमों के नीचे जन्नत रख दी है। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर तशरीफ लाए और वो बीवी के जिस बीवी से उसका शोहर जिना कराया करता था उसके हुकूक बतलाए और हदीस मुबारका में इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उन मियाँ बीवी को देखकर मुस्कुराते हैं जो आपस में एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अपने बच्चों पर सदका करना, अपने बच्चों पर खर्च करना ये दोगुना सदके के बराबर सवाब रखता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाए, बच्चियों के हुकूक इन अल्फाज में बयान फरमाए, इरशाद फरमाया कि अगर किसी के यहाँ तीन बेटियाँ हों और वो उसको अदब सिखाकर उसकी शादी कर दें, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वो और मैं ऐसे करीब होंगे जैसे दो उंगलियां करीब होती है। सवाल किया गया ऐ अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर किसी के यहाँ तीन बेटियां ना हो और वो दो बेटियों को अदब सिखाकर उसकी परवरिश करके, तरबियत करके उसकी शादी कर दें तो क्या उसको भी यही अजर मिलेगा? प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ उनको भी ऐसा ही अजर मिलेगा।
किसी ने सवाल किया, अगर एक बेटी हो तो क्या उसको भी यही फजीलत हासिल होगी? तो प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, उसको भी यही फजीलत हासिल होगी। तो देखो, दुनिया में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तशरीफ़ लाने से पहले दुनिया की औरतों की कितनी बेकदरी थी और कितना मनहूस औरतों को समझा जाता था। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने औरतों पर एहसान फरमाया और सिर्फ अल्फाज के ज़रिए करके नहीं बदलाया नहीं, बल्कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी किरदार के ज़रिए बदल करके दिखला दिया कि औरतों के हुकूक ऐसे किए जाते हैं। आपको याद होगा कि जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा का इंतकाल हुआ तो आप अपनी वालिदा की कब्र पर चिमट कर रो रहे थे, उनकी बांदी खींचना चाहती थी, लेकिन अपनी माँ अपनी वालिदा की मोहब्बत में आप उधर ही खींचे चले जाते थे। बीवियों के साथ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जैसा सुलूक किया वो सीरत की किताबों में नोट किया गया है, और ऐसा मिसाली किरदार, ऐसा मिसाली अखलाक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी बीवियों के सामने पेश किया कि दुनिया ऐसे अखलाक पेश करने से आजिज है। अपनी बेटियों से ऐसी मोहब्बत करके दिखलाई कि जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी बेटी उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाहु अन्हा को कब्र के अंदर उतार रहे थे, किताबों में लिखा है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आँखों से आंसू जारी थे और वो आंसू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक से निकल कर नीचे टपक रहे थे। तो ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एहसानात हैं जो अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया पर किए। और इस घटा टोप अंधेरों के अंदर कि जब इंसान इंसानों के खून का प्यासा था और इंसान इंसानियत का एहतराम भूल चुका था, सिवाय जंग और फसादात के इंसान कुछ सोच ही नहीं सकता था, प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तालीमात से उनको ऐसा रोशन किया कि एक वक्त तो उनकी हालत ये थी कि लोग मक्का के रहने वाले लोगों को मैंगनियों से खेलने वाले, ऊँट चराने वाले, जंगलों में ज़िंदगी गुजारने वाले और न जाने कैसे कैसे अलकाब से उनको याद किया करते थे, लेकिन जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए हैं और मज़हब इस्लाम की रोशनी से जज़ीरतुल अरब को मुनव्वर किया है, तो ये रोशनी ऐसे फैली है और इसके किरने ऐसी दुनिया पर फैल गई है कि जज़ीरतुल अरब तो जज़ीरतुल अरब से बाहर की दुनिया भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिसालत से फूटी हुई किरणों से मुनव्वर हो रही है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि खुद न थे जो राह पर औरों के हादी हो गए, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी हो गए, क्या नज़र थी कि जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी नज़र कीमियाई असर से दुनिया वालों की ज़िंदगी को बदल कर रख दिया और ऐसी तालीमात इंसानियत को दी कि जब भी इंसानियत इन तालीमात को अपनी ज़िंदगी के अंदर दाखिल करेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन तालीमात की बरकत से इंसानियत को रोशनी दिखलाएगा। चुनांचे हफीज जालंधरी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसी नेमत का तज़किरा किया है कि हुजूर आए तो सिर्रे आफरी नश पा गई दुनिया, हुजूर आए तो सिर्रे आफरी नश पा गई दुनिया, अंधेरों से निकलकर रोशनी में आ गई दुनिया, बुझे चेहरों का जंग उतरा सिया चेहरों पे नूर आया, बुझे चेहरों का जंग उतरा सिया चेहरों पे नूर आया, हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शुऊर आया, यतीमों और ज़ईफों को पनाहें मिल गई आखिर, यतीमों और ज़ईफों को पनाहें मिल गई आखिर,
حضور آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئی آخر، اور اپنوں نے تو آپ علیہ السلام کی شان میں اشعار کہے ہی ہیں، غیروں نے بھی آپ علیہ السلام کی تعلیمات آپ کے اخلاق کا لوہا مانا ہے۔ چنانچہ ایک غیر مسلم شاعر ہے جس کا نام ہے جگن ناتھ آزاد، اس نے نبی علیہ السلام کی شان میں جو اشعار کہے ہیں وہ ذرا دھیان اور غور سے سننے کے قابل ہے۔ انہوں نے پہلے زمانہ جاہلیت اور زمانہ جاہلیت کے سیاسی حالات کا نقشہ کھینچا، اور پھر آپ علیہ السلام کے آنے کے بعد جو دنیا نے روشنی پائی اس کا تذکرہ کیا۔ فرمایا، وہی یونان کہلاتا تھا جو تہذیب کی دنیا، وہی یونان کہلاتا تھا جو تہذیب کی دنیا، وہی روئے زمین پر آج تھا تخریب کی دنیا، یہ تحقیق و تجسس کا جہاں تھا آج ویرانہ، یہ تحقیق و تجسس کا جہاں تھا آج ویرانہ، فلاطون کی خرد سقراط کی دانش تھی افسانہ، غرض دنیا میں چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، غرض دنیا میں چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشانِ نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا، کہ دنیا کے افق پر دفعتاً سیلاب نور آیا، کہ دنیا کے افق پر دفعتاً سیلاب نور آیا، جہانِ کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا، حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا، شہنشاہی نے جس کے پاؤں چومے وہ فقیر آیا، مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلین آئے، مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلین آئیں، صحاب رحم بن کر رحمت للعالمین آئے۔ آج ہم وعدہ کر لیں کہ جب پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے، نبی علیہ السلام کے تشریف لانے سے ساری دنیا نے روشنی پائی ہے، ہم بھی انشاءاللہ آپ علیہ السلام کی تعلیم کی روشنی میں زندگی گزاریں گے انشاءاللہ۔ جب ہم نبی علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں زندگی گزارنے والے بنیں گے تو انشاءاللہ دنیا پر چھایا ہوا اندھیرا، دنیا پر چھایا ہوا ظلم یہ ختم ہو جائے گا اور ہم کو روشنی مل جائے گی۔ سب وعدہ کریں کہ انشاءاللہ خود بھی نبی علیہ السلام سے محبت کریں گے، نبی علیہ السلام کی ایک ایک سنت کو اپنی زندگی کے اندر داخل کریں گے، اور اپنی اولاد کو بھی نبی علیہ السلام سے محبت اور عشق سکھائیں گے، اور اپنی اولاد کو بھی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے آراستہ کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔